नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अभिप्सा की पूरी टीम की तरफ से। मैं हूं अभिनव तुषांशु पांडे। हमारी चर्चा चल रही थी पूर्व प्रश्न पत्रों पर। हम बात कर रहे हैं अभिप्सा द्वारा लाए गए मिशन 2023 की। अगर आप हमारे एप्लीकेशन में जाते हैं तो आपको मिलती है इस माइंड मैप्स, नोट्स और सारे की सारी वो सारी स्पेसिफिक चीजें जो हमारे सिर्फ एप्लीकेशन में है। लेकिन फिर भी यदि अगर आप YouTube में ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हमारी हर अपडेट मिलती रहे। जैसा कि अगर आप लोगों ने ये मतलब डायरेक्टली ये चैनल वीडियो देखा तो मैं आपको बता दूं कि हम जो है छत्तीसगढ़ बोर्ड द्वारा पूछे गए पुराने प्रश्न पत्रों पर चर्चा कर रहे थे। हम लोगों ने 5 अंक के ये प्रश्न देखा जिसमें हम लोगों ने ऊर्जा घनत्व के बारे में बात की थी। हम लोगों ने सारा का सारा डेरिवेशन समझा। फिर हम लोगों ने परावैद्युत माध्यम के और उसमें जो है धारिता निकालने का जो डेरिवेशन है उसके बारे में बात की थी और ये सारी चीजें हम लोगों ने वहां देखी थी। आज हमारी चर्चा का क्या विषय रहने वाला है, आइए देखते हैं। आज हमारी चर्चा का मुख्य रूप से विषय है आंकिक प्रश्न। 2019 में आपसे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको स्कूल में या किसी भी तरीके से न्यूमेरिकल प्रश्न हल करने की आदत नहीं है तो ये आपके लिए जो है एक क्या कहना चाहिए, कमी का जो है इंडिकेशन होता है। हमारा काम है आपकी हर प्रकार की कमी को पूरा करना, तो हम न्यूमेरिकल प्रश्न भी देखने वाले हैं। पेन कॉपी निकाल लीजिए। अगर आप लोगों ने पहले ये चीजें नहीं सीखी हैं तो हमारे जो डिटेल्ड वीडियो हैं वो एप्लीकेशन में अवेलेबल है, वहां से आप पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं। अभी हम सिर्फ न्यूमेरिकल की डायरेक्टली बात कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि आप परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। हम जब भी जो है इस तरीके के प्रश्न जो है अप्रोच करते हैं तो हमारा काम होता है सबसे पहले गिवन लिखना। तो हम लोगों ने गिवन लिख लिया। गिवन में हमारे पास में क्या क्या चीजें हैं, हमारे पास में है देखिए चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है तो R बराबर 9 सेंटीमीटर है। लेकिन आप बताइए कि क्या जो है सेंटीमीटर एक ऐसा यूनिट है? उत्तर है नहीं। तो अगर ये ऐसा यूनिट नहीं है तो 9 सेंटीमीटर लिखने से जो है जो भी उत्तर आएगा आपको लगेगा कि वो सही है लेकिन है वो गलत। इसलिए हम इसको जो है मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीट्रिक सिस्टम के हिसाब से 9 × 10^2 मीटर करने से ये उत्तर सही हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर क्या दिया गया है, आवेश दिया गया है तो क्यू का मान हो जाएगा 4 μC और चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। अब आपको एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए दी गई है, वो है आवेश। कितना आवेश दिया गया इस बात पर किसी चालक की धारिता निर्भर नहीं करती, वो सिर्फ उसके आकार पर निर्भर करती है। तो इस तरीके से अब हमको ये इंफॉर्मेशन बेकार हो गई। हमारे पास में सूत्र क्या है, धारिता सी किसके लिए, एक गोलीय चालक के लिए धारिता सी 4πε₀ और इनटू आर। ये जो है सूत्र होता है किसका, किसी गोलीय चालक की धारिता का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखिए हमको दिया गया है 1/4πε₀ की वैल्यू 9 × 10^9। तो हम क्या करेंगे भाई, सी का मान हो जाएगा, ये जो है चला जाएगा डिनोमिनेटर में, हो जाएगा 9 × 10^9 या इसको ध्यान 9 रहने दीजिए, 9 × 10^9 1/2 क्योंकि ये 1/4πε₀ नहीं है, और गुणा आर कितना है 9 × 10^2 तो सी हो जाएगा 9 × 10^√2 / 9 × 10^9। 9 और 9 कट गया और यहां पर आपको क्या मिलता है, देखिए a की घात m पूरे की घात बटा a की घात n बराबर a की घात m√n। ये सूत्र यहां लगाएंगे तो हमको मिलेगा c का मान 1 × 10^√9 = √11 और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, ये c जो है वो जो है धारिता है और इसलिए यहाँ पर जो यूनिट आएगा वो होगा फैराड, और ये अगर आप लोगों ने नहीं बताया तो फिर आपको दिक्कत होगी, ये कि आपका नंबर यहाँ पर भी कट सकता है। ध्यान रखें, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर 2019 में ही पूछा गया दूसरा प्रश्न है, ये बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है। यहाँ पर त्रिज्या 18 सेंटीमीटर की है, 18 सेंटीमीटर को और क्या लिख सकते हैं, आर बराबर 18 × 10^√2, ठीक है। और उसके बाद में जो है यहाँ पर गोली चालक को आवेश दिया गया जो हमारे काम का नहीं है, और धारिता ज्ञात कीजिए, धारिता का सूत्र है c बराबर 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट और यहां हो जाएगा आर, यहां पर मान लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक बटा नौ गुणा दस की घात नौ गुणा आर का मान है अठारह गुणा दस की घात ऋण दो, तो ये नौ एकम नौ नौ रंग बदल लेते हैं, नौ एकम नौ नौ दुनिया अठारह और ये हो जाएगा दो गुणा दस की घात ऋण ग्यारह फैराड और ये हमारा उत्तर है। आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न कब पूछा गया था, अगला प्रश्न 2021 में पूछा गया था भैया, और 2021 में पूछा गया यह प्रश्न हमको क्या बताता है, निम्न परिपथ में ए और बीच के बी के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। अभी यहां पर आप समझने का प्रयास करें, हम इसको पहले बड़ा सा बनाते हैं और उसके बाद में इसमें नाम रखते हैं। ये देखिए ए, ये हो गया ये परिपथ और यहां पर जो है हम यहां से तार जुड़ा हुआ है ये बीच वाली जगह में और यहां से तार जुड़ा हुआ है इस जगह में। अब आप, मैं इन सारे प्लेटों का नाम रख रहा हूं पी क्यू आर एस टी यू, ये हो गया हमारा पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, ये हो गया एस, ये हो गया टी और ये हो गया यू। इन सारे के सारे कनेक्शंस को जोड़िए और समझने का प्रयास कीजिए कि ए से जुड़ी हुई कौन कौन सी जो है प्लेटें हैं। ए से जुड़ी हुई प्लेटें ए और इसके साथ में जुड़ी हुई प्लेटें हैं, देखिए ए से जुड़ा हुआ है पी और ए से जुड़ा हुआ है एस और ए से जुड़ा हुआ है टी, तो यहां पर हम रख देते हैं पी, यहां है एस और यहां है टी। ठीक है, ये प्लेटें जो है ए से जुड़ी हुई है। अब बी से जुड़ी हुई प्लेटों के बारे में बात करो, तो बी से जुड़ी हुई प्लेटें हैं, ये बी से जुड़ी हुई प्लेटें हैं यू और उसके बाद में क्यू और आर, तो पी के सामने क्यू, पी के सामने क्यू, एस के सामने, एस के सामने आर और टी के सामने यू, ये तीनों चीजें जो है इस तरीके से जुड़ी हुई प्लेटें, ये सब की सब जो है किससे जुड़ी हुई है, ये सब की सब बी से जुड़ी हुई है। अब अगर आप देखें तो आपको किस तरीके का जो है ये समायोजन दिखाई देता है, ये एक समांतर समायोजन है और हमारे पास में सूत्र है। समांतर समायोजन के लिए हमारा जो सूत्र है वो है सी पी बराबर सी वन धन सी टू धन सी थ्री। अब यहां पर अगर आप मान देखेंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप सीधा सीधा दो धन दो धन दो बराबर छह माइक्रोफेराड ये जो है उत्तर आराम से लिख सकते हैं, तो यही हमारा उत्तर है। तो यहां बात ये थी कि आपको सिर्फ हमारा सर्किट बनाने का सही तरीका समझना था, वो तरीका भी मैंने आपको समझा दिया और अब आपको जो है इसका सही उत्तर भी समझ में आ गया। बढ़ते हैं अगले वीडियो की तरफ और देखते हैं हमारे पास क्या है। निम्न परिपथ में ए और बीच के बी के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ये बिल्कुल परिपथ कैसा है जैसा हम लोगों ने यहाँ देखा है, बिल्कुल वही कहानी यहाँ पर भी है, तो हम अब सीधा सीधा बोल सकते हैं तीन धन तीन धन तीन बराबर नौ माइक्रोफेराड और ये जो है हमारा सीपी का वैल्यू हो गया और कहानी खत्म। तो पहली बार में आपको जो है थोड़ी सी तकलीफ हुई समझने में, दूसरी बार में चीजें आपसे आसानी से बनने लगी है। अब हम जो है यहाँ ये वाला प्रश्न 2021 का ही है, तो आप में से कितने लोगों को पता है इसका सही उत्तर, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं कितनी है, दो पिको फैराड तीन पिको फैराड और चार पिको फैराड है, श्रेणी क्रम में जुड़े गए हैं, तो संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। आप श्रेणी क्रम किसको कहते हैं भाई, ये हमारा श्रेणी क्रम है और श्रेणी क्रम की तुल्य धारिता के लिए जो है हमको क्या पता है, अगर ये सी वन ये सी टू और ये सी थ्री है तो श्रेणी क्रम में वन बाई सी एस बराबर एक बटा सी वन धन एक बटा सी टू धन एक बटा सी थ्री हो जाएगा। तो यहां पर भी हमको क्या करना पड़ेगा, एक बटा दो धन एक बटा तीन धन एक बटा चार। क्या इन सभी संख्याओं के डिनोमिनेटर यानी कि हर आपको एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, उत्तर है नहीं। अगर इनके सारे हर एक जैसे नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके हरों को बराबर करना पड़ेगा। अब सोचिए कि अगर हम 12 बनाना चाहें इसको
तो यहाँ छह गुणा छह बटा छह का गुणा कर देंगे, यहाँ पर जो है चार बटा चार का गुणा कर देंगे, और यहाँ पर तीन बटा तीन का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा छह बटा बारह धन, ये हो जाएगा चार बटा बारह धन, ये हो जाएगा तीन बटा बारह, और इस तरीके से हमको मिलेगा। अब सारे के सारे जो है जो हर है वो एक जैसे हैं, कौनसों को सीधा जोड़ा जा सकता है, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा तेरह बटा बारह, लेकिन ये किसका मान है, ये मान है एक बटा सी एस का, एक बटा सी एस का मान तेरह बटा बारह है, तो सी एस का मान आपको मिलेगा सी एस बराबर बारह बटा तेरह और पिको फराड, इस तरीके से आपको उत्तर मिलता है। तो चीजें आसान है लेकिन आपको ध्यान रखनी पड़ती है चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या मिल रहा है, तीन धारिताएं 10, 15 और 30 हैं, तो 10, 15 और 30 को जोड़ना है। अब हम जो है सर्किट बना लेते हैं, ये और यहां पर है 10, यहां पर है 15 और यहां पर है 30, हमको क्या निकालना है, एक बटा सी एस बराबर एक बटा 10 गुणा एक बटा 15 गुणा एक बटा 30। हम क्या करेंगे, सब के सब जो हर हैं उनको एक बराबर कर लेंगे, तो यहां हम तीन गुणा तीन का जो है मतलब तीन बटा तीन का गुणा कर देते हैं, यहां दो बटा दो का गुणा कर देते हैं, तो ये बन जाएगा तीन बटा दस धन, यहां पर हो जाए दो बटा दस, नहीं सॉरी तीन बटा दस नहीं होगा, ये हो जाएगा तीन बटा तीस धन दो बटा तीस धन एक बटा तीस, तो कुल मिला के तीन दो पांच और एक छह बटा तीस हो जाएगा, और छह बटा तीस तो छह कम छह, छह पंच तीस, मतलब ये हो जाएगा एक बटा पांच, लेकिन ये एक बटा पांच किसका मान है, ये एक बटा पांच मान है एक बटा सी एस का, तो सी एस का मान हो जाएगा पांच माइक्रो फराड, और ये हो जाएगा हमारा उत्तर। सन 2021 में पूछा गया प्रश्न है, आपको बस मैं उसको हल करने के तरीके सिखा रहा हूं, प्रश्न आपसे कुछ भी पूछा जाए अगर तरीके आपके दिमाग में बैठे हुए हैं तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है, श्रेणी क्रम में ही जोड़ा गया है, तो संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात करें, 2021 का ही प्रश्न है। अब आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर लिखकर दिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां जो है हम लोगों ने कुछ प्रश्न देखे, कुछ और प्रश्न बचे हुए हैं जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ में और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।